हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मेट है कंप्यूटर के पेपर का, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स की मैच, ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स के, चूज द करेक्ट आंसर 5 मार्क्स के और 1 वर्ड 5 मार्क्स के, ठीक है। तो 25 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। अब हमने जो है लास्ट वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चंस करा दिए थे आपकी क्वेश्चन बैंक के कंप्यूटर की, तो मैंने जो है इसके आपके आपको 15 क्वेश्चंस कराए थे, 15 क्वेश्चंस और रिमेनिंग है। तो आज हम पूरा कंप्लीट रिवीजन करते हैं, ऑल रिवीजन कंप्यूटर का, स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म बताना, ई इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या होगा यहाँ ईमेल का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मेल। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम एनी टू ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, कौन है जो हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है वो बताना है। तो एक तो है जीमेल और एक है याहू। ईमेल इज अ सर्विस टू सेंड एंड रिसीव, ईमेल एक सर्विस है जिससे हम सेंड और रिसीव करते हैं क्या, लेटर्स। राइट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, एक वैलिड ईमेल एड्रेस लिखना है, ramesh@gmail.com, नाम के बाद @ आएगा, फिर जीमेल आएगा, फिर .com आएगा। द ईमेल इज मोर एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल मेल फैसिलिटी, ईमेल जो है पहले जो हम लेटर्स वगैरह भेजते थे उससे ज्यादा एफिशिएंट है, तो यस। हु रीचेस डेस्टिनेशन इन फ्यू डेज, कौन जो है कुछ दिनों में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता था, मतलब जैसे हमें कहीं किसी पते पर लेटर पहुंचाना है तो कुछ दिन लगते थे ना पहले, तो उस मेल को क्या बोलते थे हम, नॉर्मल मेल। वो कुछ दिनों में पहुंचता था जहां हमें भेजना है, जैसे आप ईमेल भेजते हैं तो कुछ सेकंड्स में पहुंच जाता है, उसमें कोई डेज नहीं लगते हैं ना। तो नॉर्मल मेल जो पहले भेजते थे वो कितने दिनों में, कुछ दिनों में जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचता था। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, जिस इन्फॉर्मेशन को हम सर्च करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेब सर्फिंग, वेब सर्फिंग। ओके, ना नेक्स्ट, हु इज यूज फॉर मेकिंग सर्चेस ऑन इंटरनेट, किसका यूज होता है सर्च करने के लिए, वेब ब्राउजर। नेम द गूगल वेबसाइट दैट प्रोवाइड सर्च फैसिलिटी, कौन सी वेबसाइट जो सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, www.google.com। राइट द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन का नेम क्या है, बिंग। नेम द चाइनीज सर्च इंजन, चाइनीज सर्च इंजन कौन सा है, बायडू, BAIDU। द लिस्ट ऑफ लिंक्स इज कॉल्ड, लिंक्स की लिस्ट को क्या बोलते हैं, हिट लिस्ट। गूगल सर्च इंजन इज डिजाइंड बाय, गूगल सर्च इंजन किसके द्वारा डिजाइन किया गया, गूगल कॉरपोरेशन ऑफ USA। नेम द वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स वीडियो सर्चिंग फैसिलिटी, हम वीडियो को किस पे सर्च करते हैं, YouTube। विच कनेक्शन इज नेसेसरी टू सेंड ईमेल, कौन से कनेक्शन की जरूरत होती है ईमेल सेंड करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन। राइट द नेम ऑफ मोस्ट फेमस सर्च इंजन, मोस्ट फेमस सर्च इंजन गूगल। सर्च इंजन नेम दैट स्टार्ट्स विद वाई, कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जिसका नेम वाई से स्टार्ट होता है, याहू। अ सर्च इंजन दैट इज फेमस फॉर सिक्योरिटी, ऐसा सर्च इंजन जो बहुत ज्यादा फेमस है सिक्योरिटी के लिए कौन सा है, डक डक गो। अ सर्च टर्म इज ऑल्सो नोन एज, सर्च टर्म को और क्या बोलते हैं, सर्च क्वेरी। राइट ए नेम ऑफ इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट, तो क्या नाम है उसका, encyclopedia.com। हिटलिस्ट मेनली कंटेन्स, हिटलिस्ट क्या कंटेन करती है, लिस्ट ऑफ लिंक्स, हिट लिस्ट में क्या होता है, लिंक्स की लिस्ट होती है। व्हाट इज शब्दकोश, क्या है, इंग्लिश टू हिंदी एक डिक्शनरी है। अ नॉर्मल मेन कैन कैरी वीडियो विथ इट, जो नॉर्मल मेल है वो अपने साथ वीडियो कैरी कर सकता है क्या, नो। व्हाट कैन बी सेंट अलोंग ईमेल यूजिंग अटैचमेंट ऑप्शन, हम और क्या सेंड कर सकते हैं ईमेल, ईमेल में जो अटैचमेंट ऑप्शन रहता है उसकी हेल्प से, तो फाइल्स एंड पिक्चर्स, हम फाइल्स और पिक्चर्स को भी सेंड कर सकते हैं। टू सेंड एन ईमेल यू हैव टू लॉग इन इनटू योर ईमेल अकाउंट, अगर हम किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल अकाउंट में लॉग इन करना पड़ेगा, यस। वेबसाइट दैट प्रोवाइड सर्च फैसिलिटी, सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वेबसाइट, ठीक है। द टॉपिक ऑन विच इन्फॉर्मेशन इज बींग सर्च इज कॉल्ड, इन्फॉर्मेशन सर्च करते जिस टॉपिक पर उसको कहते हैं सर्च टॉपिक। याहू सर्च हैज बीन डिजाइंड बाय किसके, याहू सर्च किसके द्वारा डिजाइन किया गया, याहू कॉरपोरेशन। बींग सर्च इंजन इज क्रिएटेड बाय, बींग सर्च इंजन किसके द्वारा क्रिएट किया गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। एंड ईमेल सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, एक ईमेल जो होता है वो टाइम और कॉस्ट दोनों सेव करता है, यस। ओके, तो ये आपका कंप्लीट रिवीजन है कंप्यूटर का, टोटल 30 क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन बैंक में, ये आपका फॉर्मेट है पेपर का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। ओके, थैंक यू।